ऑक्सीकरण संख्या बच्चों गणना कैसे करोगे उसको आज समझेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीकरण की ऑक्सीकरण संख्या की गणना किन नियमों के आधार पर की जाती है अथवा वे कौन से नियम हैं जिसके आधार पर ऑक्सीकरण संख्या की गणना की जाती है। तो कुछ चर्चा हम कर चुके थे बच्चों, पॉइंट टू पॉइंट इसको समझते हैं। पहला है जो आपको याद रखना है, कोई भी तत्व हो, यौगिक हो, अणु हो, अगर वो स्वतंत्र अवस्था में है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। ठीक है, आपको याद क्या रखना है बच्चों, स्वतंत्र अवस्था में है स्वतंत्र अवस्था में कोई भी तत्व हो, स्वतंत्र मतलब असंयुक्त अवस्था, जब वो किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो तत्व हो जैसे एनए है, एमजी है, अणु हो जैसे H2 है, O2 है, H2O, यौगिक है, स्वतंत्र अवस्था में जो भी होगा जैसे K4 है, NaCl है, ये स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है, H2 स्वतंत्र है, O2 स्वतंत्र है, H2O स्वतंत्र है, KNO4 स्वतंत्र है, मतलब यौगिक के स्वरूप में स्वतंत्र है, NaCl स्वतंत्र है। तो सबकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, इन सबकी ऑक्सीकरण संख्या बच्चों अगर किसी के साथ जुड़े नहीं है, किसी अवस्था में है, तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या शून्य होगी। ठीक है, पहला टॉपिक जो आपको याद रखना वो है स्वतंत्र अवस्था में जो तत्व होगा, अणु होगा अथवा यौगिक होगा, जैसे ये तो अकेला है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या शून्य, ये दो है जिनकी दोनों की जो संयुक्त ऑक्सीकरण संख्या होगी शून्य होगी, इन सबकी ऑक्सीकरण संख्याओं का योग क्या होगा बच्चों, शून्य। ठीक, ये है पहला नियम। दूसरा नियम है बच्चों आयनों के लिए, स्वतंत्र अवस्था में था, अब आयन के लिए आयन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एक परमाणु का आयन। अगर आप आयनों को देखें, धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन दो प्रकार के होते हैं, एक है एक परमाणु आयन अर्थात ऐसे आयन जिनमें केवल एक ही परमाणु होता है, जैसे Na+, Cl-, Mg2+, O2-, Al3+। ये बच्चों ऐसे आयन है जो केवल एक ही परमाणु के बने, तो इन आयनों के ऊपर लगा हुआ जो धनायन अथवा ऋणायन की संख्या है वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या है। जैसे Na के ऊपर एक प्लस लगा है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 हो गई, Cl के ऊपर एक माइनस है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी, Mg के ऊपर दो प्लस है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 2+ होगी, ऑक्सीजन के ऊपर 2- लिखा है इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2- होगी, Al के ऊपर 3 लिखा है 3+ इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3+ होगी। एक परमाणु आयन चाहे वो धनायन हो
चाहे वो ऋणायन हो, उसके ऊपर लगा हुआ जो आवेश है, वही आवेश की जो संख्या है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या है। Na के ऊपर एक प्लस है Na प्लस, यानी सोडियम धनायन, उसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस वन है। Mg के ऊपर दो प्लस है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या दो यानी प्लस टू है। एल्यूमिनियम के ऊपर तीन प्लस लगा है बच्चों, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस तीन। Cl के ऊपर एक माइनस है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या माइनस वन है। अर्थात एक परमाणु धनायन में जो परमाणु के ऊपर लगा हुआ जो आवेश की संख्या है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या है। दूसरी बात है, कुछ आयन ऐसे होते हैं जो एक से अधिक परमाणु के बने होते हैं, बहु परमाणुक। बहु परमाणुक आयन, ठीक है, जैसे MnO4 माइनस, CO3 टू माइनस, NH4 प्लस। बच्चों ये जो माइनस है ये इन सब का योग है, इन सब की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग है माइनस वन। अर्थात पूरे MnO4 की ऑक्सीकरण संख्या माइनस वन होगी। इस एक ऋणायन में एक परमाणु मैग्नीज का है और चार परमाणु ऑक्सीजन के, अर्थात इन पांचों परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या अभी माइनस वन। CO3 टू माइनस कार्बोनेट, एक परमाणु कार्बन का है, तीन परमाणु ऑक्सीजन के हैं, लेकिन इन चारों परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, माइनस टू। तो माइनस टू सी की ऑक्सीकरण संख्या नहीं है, माइनस टू ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या नहीं है, माइनस टू इन सब की ऑक्सीकरण संख्या। NH4 प्लस, N की प्लस नहीं है, H की प्लस नहीं है। इन चारों, इन पांचों परमाणु, चार हाइड्रोजन के और एक नाइट्रोजन, जब जुड़ेंगे आपस में तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस वन। तो MnO4 माइनस की ऑक्सीकरण संख्या माइनस वन होगी बच्चों। CO3 टोटल की है, एक की नहीं है, CO3 टू माइनस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, माइनस दो होगी। और NH4 प्लस वन की संख्या कितनी होगी, इसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस वन। तो आयन पहले समझ लो कि धनायन अथवा ऋणायन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक परमाणु धनायन, बहु परमाणु धनायन। एक परमाणु धनायन में ऑक्सीकरण संख्या वही है जो उस परमाणु के ऊपर आवेश की संख्या है। बहु परमाणु आयन ऐसे आयन होते हैं जो एक से अधिक परमाणुओं के बने होते हैं और उनके ऊपर जो लास्ट में अंत में जो आवेश होता है वो ऑक्सीकरण संख्या होती है उन सब की। MnO4 माइनस एक, कुल सब इन सब की ऑक्सीकरण संख्या माइनस वन हो जाएगी। याद रखना CO3 टू माइनस ऑक्सीकरण संख्या माइनस दो, NH4 प्लस ऑक्सीकरण संख्या प्लस वन, NO3 माइनस ऑक्सीकरण संख्या माइनस वन। ये है कुछ बहु परमाणु का। SO4 आपने देखा था, SO4 टू माइनस, टोटल की ऑक्सीकरण संख्या माइनस दो हो जाएगी। ठीक है, यहां पे अब आपको एक एक करके ऑक्सीकरण संख्या नहीं निकालनी है। SO4 कहीं पे लिखा होगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या माइनस वन, OH माइनस वन कहीं पे OH लिखा होगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या माइनस वन, सीधा समझ के चलो। ठीक है बच्चों, तो पहला स्वतंत्र अवस्था में कोई परमाणु होगा, तत्व होगा, यौगिक होगा, अणु होगा, उसकी ऑक्सीकरण संख्या शून्य है। दूसरा आयनों की ऑक्सीकरण संख्या निकालना को समझता है, एक परमाणु की कैसे निकालेंगे, बहु परमाणु की क्या होती है। तीसरा बच्चों
ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। अब ऑक्सीजन क्योंकि 16वें समूह में आता है, ऑक्सीजन किस समूह में है, 16वें समूह में आता है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। अब मैंने आपको थोड़ा बहुत बता रखा है कि 16वें समूह में जो तत्व आते हैं उनकी सामान्य ऑक्सीकरण संख्या बच्चों माइनस दो होती है, ठीक है, सामान्य ऑक्सीकरण संख्या माइनस दो है। तो अगर हम ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्य ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, माइनस दो, क्योंकि बच्चों ये अधिकतर यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या माइनस दो होती है, इसीलिए इसे अस्थाई ऑक्सीकरण संख्या भी कहते हैं। आपको दो शब्द और याद रखने, अस्थाई ऑक्सीकरण संख्या और उच्च ऑक्सीकरण संख्या। अस्थाई ऑक्सीकरण संख्या का मतलब ये होता है वह तत्व अधिकतर कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की अधिकतर यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या माइनस दो होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा माइनस दो होती है। किनकी अचल रहती है, मैं आपको कल डिस्कस कर चुके थे हम लास्ट लेक्चर पिछले लेक्चर पे, बच्चे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या अधिकतर यौगिकों में माइनस दो होती है, लेकिन कुछ यौगिकों में इसकी ऑक्सीकरण संख्या माइनस एक भी होती है और कुछ में माइनस हाफ भी होती है, 0.5 भी होती है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखें H2O2, Na2O2, ये बच्चों ऑक्सीजन की वे यौगिक है जिनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या माइनस एक है, इसमें भी माइनस एक। अगर ऑक्सीजन की संख्या माइनस एक होती है तो बच्चों इसे पर ऑक्साइड कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, पर ऑक्साइड। इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसका नाम क्या होगा, सोडियम पर ऑक्साइड। अब यहां पे थोड़ा सा ये कैलकुलेट करना सीखते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे कैसे, हम इसको लेके चलते। बच्चों आपको पता है कि Na2O2 एक यौगिक है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, जीरो। कैसे निकालोगे, आपको क्या करना है, टू ब्रैकेट में लिखना है Na दो है ना, Na की ऑक्सीकरण संख्या प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन भी दो है तो दो, और ब्रैकेट में लिखना है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर जीरो। सबकी ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योग होता है वो जीरो होता है, अगर यौगिक है तो। आयन की बात नहीं करी, यौगिक की बात कर रहा हूं। तो Na कितने थे, दो थे, दो आपने ब्रैकेट के बाहर लिखना है और उसके बाद किसकी निकालनी है, Na की। तो Na की ऑक्सीकरण संख्या प्लस दो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब मुझे बच्चों ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है यहां पे, तो मैं क्या करूंगा, दो सोडियम बच्चों पहले समूह में है और पहले समूह के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या फिक्स है, प्लस वन, प्लस दो सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी, प्लस वन ब्रैकेट क्लोज, प्लस दो ऑक्सीजन की मुझे ऑक्सीकरण संख्या निकालनी, तो उसकी जगह मैं लिख दूंगा एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब मुझे वैल्यू निकालनी है एक्स की, एक्स इज इक्वल टू बच्चों क्या है, टू बाय टू, यानी
ये आ जाएगा तो माइनस वन। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? माइनस वन हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या माइनस वन है उसे परोक्साइड कहते हैं। नाम क्या है? सोडियम परोक्साइड। ये तो है जब आपको कैलकुलेट करना हो, इसलिए दिखाना हो। दूसरा सिंपल तरीका बच्चों ये है, मैं यहां पे इसको लिख देता हूं Na2O2। मुझे बच्चों इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है ऑक्सीजन की। मैं क्या करूंगा, मुझे पता है सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या एक की प्लस वन होती है। दो की कितनी होगी? अगर एक की प्लस वन है तो दो की कितनी होगी बच्चों? प्लस टू हो जाए। अगर इसकी प्लस टू है तो 100% इसकी माइनस टू होगी, क्योंकि टोटल का जीरो है। जितना मेरे पास है धन में उतना ही ऋण में होगा। धन में कितना है? प्लस टू है, और ऋण में कितना हो जाएगा? माइनस टू हो जाएगा। माइनस टू कितने का? अब ये देखो माइनस टू टू का है, इससे इसको डिवाइड करो कितना आएगा? माइनस टू। ये है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। तो अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बच्चों माइनस वन होती है उसे परोक्साइड कहते हैं, और अगर माइनस टू हो उसे ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, ये समझेंगे, प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप समझेंगे बच्चों। ये तो अभी नियम चल रहे हैं तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे नियम हो जाए उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा दो चार एग्जाम्पल देके ऑक्सीकरण संख्या निकालते ही कैसे। तो बच्चों अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या माइनस दो है उसे क्या बोलते हैं? इसे ऑक्साइड कहते हैं। अरे सामान्य माइनस एक है उसे परोक्साइड कहते हैं। और एग्जाम्पल अगर आप देखें KO2, अपने देख लेते हैं कि KO2 में ऑक्सीकरण संख्या क्या आने वाली है। मैंने यहां लिखा KO2। बच्चों मुझे इन दोनों में से किसका पता है? ऑक्सीजन का तो पता है नहीं, फिक्स है नहीं। मुझे पोटेशियम का पता है कि इसका प्लस वन होता है, वो मैंने लिख दिया ऊपर प्लस वन, क्योंकि पोटेशियम एक ही है तो मैंने प्लस वन ही लिखना है। दो होते तो मैं प्लस टू कर देता है, एक एक का नीचे लिखना है और टोटल का ऊपर लिखना है। अब बच्चों अगर ये, क्योंकि ये यौगिक दो तत्वों से बना है, एक की अगर प्लस वन है दूसरे की क्या होगी? दूसरे की माइनस वन। माइनस वन कितने की है? माइनस वन दो की। तो हम क्या करेंगे, इस दो को सिंपल दो से इसको डिवाइड कर देंगे, एक बटे दो, माइनस एक बटे दो हो गया, कितना आया? माइनस हाफ। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या यहां पे होगी माइनस हाफ। अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या माइनस हाफ है तो बच्चों इसे सुपर ऑक्साइड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सुपर ऑक्साइड। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या के आधार पे तीन प्रकार के ऑक्साइड होते हैं। अच्छा, ऑक्साइड मतलब किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या माइनस में हो तो उसके नाम के पीछे आयड लगा देते हैं, ऑक्साइड, क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड। आयड जो शब्द है बच्चों वो उसकी ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या को दर्शाता है। कहीं आपको लगे कि आयड लिखा है इसका मतलब उसकी ऑक्सीकरण संख्या फिक्स है कि माइनस ही होगी। साइनाइड माइनस वन, क्लोराइड माइनस हाफ, ऑक्साइड माइनस टू, परोक्साइड माइनस एक, सुपर ऑक्साइड माइनस। ऑक्सीजन एक ऐसा तत्व है बच्चों जिसकी ऑक्सीकरण संख्या शून्य भी होती है, माइनस में भी जाती है और प्लस में भी जाती है। ऑक्सीजन अगर फ्लोरीन के साथ जुड़ता है, देखिए एग्जांपल, ये तो हमने ऑक्साइड पढ़ लिया बच्चों, हमने जो पढ़े ये ऑक्साइड।
तीनों ऑक्साइड। अब मैं यहां लिखता हूं OF2, इनमें से आपको किसकी ऑक्सीकरण, O और F में से आपको किसकी ऑक्सीकरण संख्या पूरी तरह से पता है, तो आप बोलेंगे कि सर हमें F की ऑक्सीकरण संख्या पता है, क्योंकि ऑक्सीजन का कोई भरोसा नहीं है, माइनस दो भी हो सकता है, ये भी है, ये भी है, ये भी। आपने कहा सर फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि सत्रहवें समूह का तत्व है, -1। फिक्स एक का, एक फ्लोरीन का अगर -1 है तो बच्चों यहाँ पे दो फ्लोरीन है, इसका हो जाएगा -2। तो अगर फ्लोरीन -2 है, अगर ये वाला भाग -2 है, ये वाला भाग क्या होगा, टोटल जीरो करना है, ये हो जाएगा +2, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है, तो यहां इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो ऊपर लिखा आपने वही हो जाएगी। अब यहां पे ऋणायन कौन है, फ्लोरीन है, तो यहां पे ऑक्साइड नहीं होगा, ये क्या नहीं होगा, ऑक्साइड नहीं होगा, फ्लोराइड होगा, ठीक है, ऑक्सो फ्लोराइड, ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड। दूसरा है O2F2, इसी तरह से एक फ्लोरीन की -1 होती है, बच्चों दो की -2 हो जाए, और इसकी -2 है तो इसकी कितनी होगी, इसकी +2 होगी, क्योंकि आपको जीरो करना है सब, -2 + 2 जीरो, अगर -2 है तो ये +2 हो जाएगा। अब बच्चों +2 कितने का है, देखो नीचे दो दो है, +2 दो का है, तो एक का कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड। ये हो गया ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, माइनस में भी जाती है, प्लस में भी जाती है, ये जब ये फ्लोरीन अथवा हेलोजन के साथ जुड़ेगा, जो इससे अधिक विद्युत ऋणी है, और इससे अधिक विद्युत ऋणी फ्लोरीन ही है, जब ये अपने से अधिक विद्युत ऋणी तत्व के साथ जुड़ेगा फ्लोरीन के साथ, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या तब प्लस में चली जाती है, ठीक है। ये था ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। दूसरा जो तत्व आपको समझना है बच्चों, वो है हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या। हाइड्रोजन भी आपको पता है कि एक आवारा तत्व है, आवारा है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी फिक्स नहीं है, ठीक है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी माइनस में जाती है, प्लस में जाती है, जीरो, जीरो कब, जब ये स्वतंत्र होगा। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बच्चों डिपेंड करता है कि किसके साथ जुड़ा है, अगर ये धातु के साथ जुड़ा है ऑक्सीकरण संख्या अलग होगी, और धातु के साथ जुड़ा है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या अलग होगी, जैसे HCl, HBr, H2O। यहां आप देखिए आपने हाइड्रोजन को पहले लिखा है, तो अगर हाइड्रोजन पहले है तो इसका मतलब ये अधातु के साथ जुड़ा है, और अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1। याद रखिए सिंपल सा एक वो है, मंत्र है, एच पहले होगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 लिख देनी है, NaH। यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड है, आयड है, मतलब आपको समझ के हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन की बात, आयड है मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या बच्चों -1, क्यों माइनस क्योंकि +1, टोटल का जीरो करना, ये प्लस क्यों क्योंकि -1, बाकी का आपको पता चल जाएगा। MgH2AlH3, अगर धातु के साथ जुड़ेगा तो बाद में जुड़, बाद में आपको लिखना है, HAna का भी लिखना, H2Mg नहीं लिखोगे, और अगर हाइड्रोजन बाद में जुड़ा है बच्चों तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। धातु के साथ जब भी हाइड्रोजन जुड़ेगा तो -1,
अधातु के साथ जुड़ेगा तो प्लस वन। पता कैसे चलेगा ये आपको बता दिया, एच पहले होगा तो प्लस वन, एच बाद में होगा तो माइनस वन, एच बीच में होगा तो ऐसे नहीं होगा, बीच में होगा मान लीजिए एन एल आई के एल एच फोर तो बाद में ही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बच्चों देखना है, बाद में आएगा तो माइनस वन, पहले आएगा तो प्लस वन। ये है हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है बच्चों। तो पहले पहला नियम क्या था, स्वतंत्र अवस्था में किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। कोई यौगिक होगा, जितने सारे यौगिक में तत्व है उन सब की ऑक्सीकरण संख्याओं को जोड़ दो वो भी शून्य होगी। दूसरा जो हमने चर्चा की है वह आयनों की, आयनों की ऑक्सीकरण संख्या, आयनों की ऑक्सीकरण संख्या बच्चों आपको पता है दो प्रकार के आयन, एक परमाणु और बहु परमाणु। फिर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कब प्लस होगी कब माइनस होगी, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है बच्चों। ये हो गए आपके जो नियम थे वो। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या, अगर हेलोजन की बात करें तो आपको पता है कि हेलोजन में फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या माइनस वन, बाकी में ऑक्सीकरण संख्या फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में माइनस वन है, लेकिन कभी कभी इनकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस में भी जाती है। हेलोजन की ऑक्सीकरण संख्या कभी कभी प्लस में भी चली जाती है, ठीक है, जब ये अपने से अधिक विद्युत ऋणी तत्वों के साथ जुड़ेगी तब। 18वें समूह के जो तत्व है उनकी ऑक्सीकरण संख्या शून्य है, लेकिन कुछ तत्व जैसे जेनोन है जब ये किसी तत्व के साथ जुड़ेगा तब इसकी ऑक्सीकरण संख्या शून्य नहीं होगी। तो ये आपको जो जनरल रूल है वो बच्चों याद करने हैं, और इसके आधार पर हम क्या करेंगे कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निकालने की कोशिश करते हैं। हम बात करते हैं KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। अब बच्चों आपको पता है कि पहले समूह का तत्व थे उसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस वन, एक का यहां लिख दो नीचे, ऑक्सीजन सामान्य लिखना है, सामान्य ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या एक की माइनस दो होगी, नीचे हमने एक का लिखना है, ठीक है, और इसकी हमें ज्ञात करनी है कि कितना है, एक है उसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस वन फिक्स, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या माइनस दो है, एक की माइनस दो है बच्चों चार की माइनस आठ हो जाए, यानी टोटल ऑक्सीकरण संख्या हमको ऊपर लिखते हैं। आपको ये भी पता है कि इस सब की ऑक्सीकरण संख्या जीरो होनी है, तो आपके पास प्लस का एक है और माइनस का आठ, दो ऑप्शन है, इन दोनों को टोटल कर दो, प्लस वन प्लस माइनस एट कितना आएगा प्लस आठ, प्लस क्योंकि Mn एक ही है यहां पे वही एक नीचे उतर जाए, ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या। या आपको पता है कि यहां प्लस का एक था माइनस का आठ है और प्लस का एक है, मुझे टोटल करने के लिए कितना चाहिए, अगर मेरे टोटल करना हो टोटल को जीरो करना हो, माइनस के आठ है तो मेरे पास प्लस के भी आठ होने चाहिए, मेरे पास माइनस के अगर आठ है तो मेरे पास प्लस के भी आठ होने चाहिए, मेरे पास प्लस का वन है कितना बचा हुआ है सात बचा है प्लस सात, तो प्लस सात जो होगी वो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल देते K2Cr2O7 क्या करोगे, नीचे एक की ऑक्सीकरण संख्या पोटेशियम प्लस वन क्योंकि पहले समूह का तत्व है, Cr का हमें निकालना है
इसको छोड़ देते हैं, एक ऑक्सीजन का माइनस दो होता है। अब बच्चों ऊपर क्या करना है, ऊपर कुल ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है। एक एक पोटेशियम का अगर प्लस वन होता है तो दो का कितना होगा, प्लस टू होगा। एक ऑक्सीजन का माइनस दो होता है तो सात का कितना होगा, माइनस फोर्टीन। अब आपके पास प्लस के दो है, माइनस के फोर्टीन है, और आपको इसको जीरो करना है। अगर माइनस के फोर्टीन है तो प्लस के भी फोर्टीन होने चाहिए, लेकिन प्लस के आपके पास दो है, कितने बचे हैं, बारह बचे हैं। अब इनको जोड़ो, बारह और दो चौदह, तो प्लस के आपके पास चौदह है, माइनस के चौदह है, इक्वल टू जीरो। अर्थात सी आर टू की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, प्लस बारह हो जाएगी। आपको बताइए टोटल ऑक्सीकरण संख्या है प्लस बारह कितने की है, दो की है, और यहां मैंने नीचे कितने का लिखना है, एक का लिखना है। तो बच्चों क्या करोगे, बारह को दो से डिवाइड कर दे, कितनी हो जाएगी, माइनस छ, प्लस छ। ठीक है, और देख लेते हैं। C6H12O6 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। चलिए इसकी तो ज्ञात करनी है, इसकी हमको ये नीचे एक का लिखना है, 12 एच है, एच 12 है, एच की ऑक्सीकरण संख्या एक की प्लस वन होती है, 12 की हो जाएगी प्लस 12, एक की प्लस वन तो 12 की प्लस 2। एक ऑक्सीजन का माइनस दो होता है, छह का कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देगा माइनस 12। अब बच्चों आपके पास प्लस के 12 आ गए, माइनस के 12 आ गए, और सबका योग जीरो होता है, तो आप यहां कुछ लगा नहीं पाओगे, सी सिक्स की ऑक्सीकरण संख्या जीरो होगी, तो वैसे जीरो हो गया। अगर ऐसा कभी आए प्लस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व जीरो, तो ये जीरो। अगर छह की ऑक्सीकरण संख्या जीरो है तो एक की ऑक्सीकरण संख्या भी जीरो हो, डिवाइड करोगे जीरो आएगा। ठीक है बच्चों, ये है ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम।